अगर आप 32 बार फार्मूले को फॉलो कर रहे हैं तो इसके लिए आपको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि हम एक्सरसाइज करते हैं तभी हमारे शरीर में फुर्ती बना रहता है और स्वस्थ रहते हैं और हमारे ऊपर अच्छे से 32 बार फार्मूला का असर होता है और वेट लॉस करने में काफ़ी ज़्यादा हमको मदद मिलता है। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। बड़ों को सादर प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। यहाँ पे देखिए मेरे दिन का शुरुआत हो चुका है एक्सरसाइज से, और ये एक्सरसाइज पता है पहले मेरा हाथ पैर तक बिल्कुल भी नहीं जाता था। अगर आप भी शुरू शुरू में करेंगे ना तो बिल्कुल भी हाथ नहीं जाएगा, पर प्रैक्टिस करते करते ना सब चीज़ अच्छे से होने लग जाता है फ्रेंड्स, और अब हमको कोई दिक्कत नहीं होता एक्सरसाइज करने में, क्योंकि हमारा प्रैक्टिस बन चुका है, हम अच्छे से 32 बार फार्मूले को फॉलो कर रहे हैं ना, तो उस हिसाब से हम एक्सरसाइज भी करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए मेरा एक्सरसाइज हो गया था कंप्लीट, और उसके बाद देखिए मेरे घर का क्या हाल हो चुका है, मतलब पूरा सामान फैला हुआ है। और आंचल के पापा लाए थे ना पिछले वीडियो में दिखाए थे बैग और लंच बॉक्स वगैरह लाए थे, तो उसका प्लोथिन थैला वगैरह सब चीज़ फैला हुआ है। और ये चले गए हैं नाश्ता करके, सॉरी खाना खा के स्कूल चले गए हैं, और बच्चे को तो छुट्टी चल रहा है, और अब इधर हम काम में लग जाएंगे। तो अब थोड़ा सा पानी पी लेते हैं हम, गुनगुना पानी, और उसके बाद काम काज मेरा स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि पानी तो 32 बार फार्मूले में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जीरा पानी लेते हैं या सौ पानी लेते हैं या फिर मेथी पानी कुछ भी लेते हैं जिसका जिस हिसाब से होता है ना कुछ प्रॉब्लम शरीर में, तो उसको कंट्रोल करने के लिए लोग लेते हैं अपने हिसाब से। ऐसा नहीं कि कोई भी अगर जीरा पानी ले रहे हैं तो हम भी वही ले लेते हैं, कोई अगर ये सौंफ ले रहे हैं तो हम भी वही ले लेते हैं, कोई ले लेते हैं मेथी पानी तो वो ले लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं फ्रेंड्स। जिसके लिए जो ज़रूरी है बस हमें वही चीज़ लेना चाहिए। तो हम यहाँ क्या करते हैं ना, बस हमको थायराइड वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम क्या करते हैं ना कुछ भी नहीं लेते हैं, कभी कभार जीरा पानी लेते हैं, बस गुनगुना पानी पी लेते हैं, यही मेरे लिए काफ़ी हो जाता है। गुनगुना पानी तो खैर ज़रूरी हो जाता है। और देखिए कामकाज करते करते ये आंचल के पापा कल ही लाए थे, दाल मेरा ख़त्म हो चुका था, पिछले साल दाल तैयारी करवाए थे ना तो अब चला, अब ख़त्म हो गया है, तो बस ये दुकान से ही लाए हैं रेडीमेड जो होता है, पर अभी दाल का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है फ्रेंड्स। और फिर यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज मेरा हो गया था और पानी वगैरह पी लिए थे, कुछ देर के बाद हम यहाँ पे कामकाज करते करते, हम नाश्ता आज अपने लिए नहीं बनाते फ्रेंड्स, तो खाना ही खाने जा रहे हैं, क्योंकि क्या होता है ना आज अभी हमको कुछ दिन तक पूजा नहीं करना है, तो सोच रहे हैं खाना वाना खा लें और अच्छे से दिन भर मेरा काम होता जाएगा। तो खाना अच्छे से खा लिए फ्रेंड्स, और हम खाना खाने में कोई भी कटौती नहीं करते हैं, जितना हमको भूख लगा होता है जितना, मतलब हम मेरा जब तक पेट नहीं भरता उतना खाते हैं, अनाज भर पेट खाते हैं फ्रेंड्स, और कोई भी हमको दिक्कत नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाएगा, क्योंकि हम एक्सरसाइज वगैरह करते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद हम ये किचन साफ़ कर लिए, चूल्हा वगैरह साफ़ कर लिया, अब आ गए रूम के अंदर और रूम का बेडशीट वगैरह उठा के झाड़ के अच्छे से कर लेंगे साफ़, क्योंकि बच्चे लोग क्या करते हैं ना दिन भर बेड पे ही खेलना पढ़ना लिखना उछलना कूदना सारा चीज़ होता है। और बताएं ना मेरा बच्चा बिल्कुल भी चप्पल वगैरह नहीं पहनता है घर में, और बाहर से आता है घूम के छत पे पूरा सीमेंट सीमेंट कर देता है बेडशीट वगैरह, तो अच्छे से झाड़ना पड़ता है। ये देखिए मेरा यहाँ पर बेड ठीक हो गया, और फिर दूसरे रूम में आ गए, और यहाँ पर क्या हुआ ना हम आंचल को बोले थे कि बेटा इस रूम का नेट वगैरह ठीक कर देना, लेकिन बच्ची है ना तो अच्छे से नहीं कर पाती है ठीक, तो जैसे तैसे करके रख दी थी और हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो हम इसको थोड़ा ठीक कर दिया, और एक बार वो उलझा देती है ना नेट फिर अच्छे से ठीक नहीं हो पाता है। और यहाँ पे देखिए मेरा हो गया रूम का नेट वगैरह ठीक हो गया, बेड भी ठीक कर दिया, अब लगाने लगे झाड़ू, क्योंकि झाड़ू भी बहुत ज़रूरी हो जाता है अच्छे से, इतना गर्मी का मौसम आ गया ना हवा वगैरह चलते रहता है, और टाइल्स के घर में क्या होता है ना झाड़ू अगर नहीं दीजिए अच्छे से तो झाड़ू के बाद पोछा भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो बालू कण जो रहता है ना टाइल्स पे तो चलने में ना हमेशा डर लगा रहता है कि पैर में मतलब फिसलन टाइप से हो जाता है फ्रेंड्स, क्या बोले बहुत दिक्कत होता है। हम तो बहुत संभाल संभाल के चलते हैं टाइल्स के रूम में, और अगर पानी वगैरह भी कहीं गिरा है तो उसमें फिसलने का डर रहता है, और धूल चलता है तो और भी दिक्कत होता है धूल की वजह से। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अच्छे से हम लगा लिए झाड़ू, और उसके बाद देखिए दूसरे रूम में अब काम करेंगे, यहाँ पे हॉल में आ गए हैं। तो हॉल में आ जाने के बाद फ्रेंड्स देखिए कितना सारा कचरा निकला है ना,
क्योंकि हम अच्छे से सफाई किए हैं फ्रेंड्स, होली आ रहा है ना, तो होली का भी सोच रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके सफाई करते जाते हैं, क्योंकि इकट्ठे दिन भर हम नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स, अकेले हो जाते हैं ना, ये झाड़ना पोछना बहुत सारा और वीकनेस आने लग जाता है दिन भर काम करते करते, तो थोड़ा आराम भी कर लेते हैं और धीरे धीरे काम करते हैं। तो पहले हॉल में, कभी इस रूम में, कभी उस रूम में करके हम ऐसे ही करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए कितना सारा निकला है फालतू सब सामान, तो अब इसको उठा लेंगे अच्छे से और यहाँ पे भी पोछा कर लेंगे हम। और धूप भी अब अच्छा खासा निकलने लगा है फ्रेंड्स, अब गर्मी बिल्कुल मतलब चढ़ने लगा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है इस बार हमको, तो अभी से ही काफ़ी डर लग रहा है क्योंकि गर्मी पड़ता है ना, तो इस हॉल में बिल्कुल भी निकलने का मन नहीं करता है फ्रेंड्स। यहाँ पे इधर से ना धूप आता है, हवा आता है, वो झरक वाला होता है ना, हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं झरक वाला धूप है, हवा है, बस वही अब स्टार्ट हो गया है धीरे धीरे करके चलना। और ये काफ़ी मतलब हानि पहुंचाता है स्वास्थ्य को, होठ सूखेगा, नाक सूखेगा। मेरे बच्चे का अयान से बोल रहा था मम्मा नाक के अंदर दर्द कर रहा है, पूरा ना हवा से सूख गया था उसका नाक और अंदर से हल्का सा लाल लाल हो गया था, बोल रहा था मम्मा मेरा नाक फट गया है अंदर क्या। तो वही देखे बहुत दिक्कत होता है फ्रेंड्स इस हवा में, हाथ पैर सब भी बहुत ज़्यादा सूखता है, तो परेशानी तो खैर आते जाते रहता है, हर चीज़ को झेल के निकलना पड़ता है, आगे चलना पड़ता है फ्रेंड्स, काम काज करते हुए, बच्चे को संभालते हुए और अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। तो 32 बार का फॉर्मूला फ्रेंड्स आप ज़रूर अपनाएं, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, फिट रहेगा, तो ही हम कुछ कर सकते हैं घर के लिए, बच्चों के लिए। अगर हम ही ध्यान नहीं देंगे अपने ऊपर तो फिर स्वास्थ्य खराब होगा, फिर घर का काम काज, बच्चे, सब चीज़ मतलब जैसे के तैसे हो जाता है, पड़ा रहता है काम काज। तो बस यही चीज़ है, आप अपने स्वास्थ्य पे, अपने ऊपर, एक्सरसाइज पे, 32 बार फार्मूले पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए और कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, बस हर चीज़ जो भी खाते हैं टाइम टेबल खाइए और हर चीज़ को 32 बार चबा कर खाइए, तो आपको ना मतलब आपका आदत सा बन जाएगा 32 बार के, आप उससे ज़्यादा बार भी चबा पाएंगे आप, बिल्कुल भी आपको भारी नहीं लगेगा ये सब चीज़, क्योंकि हम ना खुद अजमा कर देख रहे हैं 32 बार से ज़्यादा बार चबाते हैं फिर भी हमको वो होता है ना कि भारी नहीं लगता है कोई भी चीज़, कितना देर तक क्यों चबा रहे हैं बैठ के। क्योंकि जब हम लोग खाना खाते हैं घर में तो सब काम काज करके आराम से खाना खाते हैं, और कौन सा एक घंटा लगता है खाना खाने में, तो इसके ऊपर तो ध्यान देना ही चाहिए, थोड़ा वक्त देना चाहिए फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए काम काज करते करते बच्चे लोग खाना पीना खा लिए थे, दे दिए थे खाना, तो बर्तन मेरा खाली हो चुका था फ्रेंड्स, तो क्या किए ना बर्तन वगैरह धो के भी रख दिए इकट्ठे, अब नहा लेंगे तो शाम का मेरा बर्तन उर्तन कुछ नहीं रहेगा धोने के लिए, सारा चीज़ धो धुल जाएगा। तो बर्तन भी धो लिए, पोछा भी अब लग रहा है, बच्चे दोनों खेल रहे हैं स्नान वगैरह करके, और बस ये झाड़ू लगा के अब हम भी चले जाएंगे स्नान के लिए। और करीब पता है फ्रेंड्स हमको 3 बज गया था आज के दिन, काम करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, और अब खैर चल जाता है गर्मी के मौसम में, लेकिन फिर भी इतना लेट नहीं करना चाहिए स्नान करने में फ्रेंड्स, क्या करें, अभी थोड़ा साफ़ सफाई कर लेते हैं ना होली का, इसलिए थोड़ा सा लेट हो जा रहा है, वैसे इतना लेट नहीं करेंगे क्योंकि डेली डेली लेट से नहाने का आदत अच्छा नहीं होता है फ्रेंड्स। तो बस यही है, और देखिए अभी मेरा घर पूरा साफ़ हो गया, अच्छे से सामान वगैरह सब चीज़ जो जहाँ होना चाहिए अच्छे से रख दिए हैं फ्रेंड्स, लेकिन फिर वही होता है जैसे तैसे हो ही जाता है, बस कपड़ा मेरा बाकी है, वो तो गेस्ट रूम में, अभी मेरा स्टोर रूम बन चुका है वही। 3:30 बजे थोड़ी देर आधा घंटा रेस्ट लेके भी थक गए थे सुबह से, और थोड़ी देर रेस्ट किए और अब जा रहे हैं, अब कुछ देर में इसके पापा आ जाएंगे, पापा भी आ जाएंगे, फिर नाश्ता वास्ता देना पड़ेगा और जा रहे हैं अब स्नान के लिए, बाल धो के नहाना है। तो ये वाला साड़ी आज पहन रहे हैं, कॉटन का साड़ी है, तो गर्मी में इधर निकाले थे साड़ी वगैरह पहनने के लिए ना, तो ये वाला साड़ी पहनेंगे। तो चलिए, तो बस फ्रेंड्स यहाँ पे हम स्नान करके आ गए हैं और बाल धो लिए हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में लगता है ना कि जल्दी जल्दी थोड़ा बाल धोएं, ज़्यादा गंदा हो जाता है ना, सर वगैरह खुजलाने लग जाता है। तो बस अब कुछ नहीं है, यहाँ पे कपड़ा वगैरह सुखाएंगे और बस थोड़ा रेस्ट करेंगे, इसके पापा भी आ जाएंगे ऑफिस से। तो बस आज का वीडियो का दिन यहीं पे करेंगे फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करके ऑल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं आगे के आने वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और हमसे जुड़े रहिए फ्रेंड्स। इसी तरह का वीडियो आप सब तक पहुंचाते रहेंगे, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा तो हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचेगा। टाटा बाय बाय।